हेलो गाइस, दिस इज अर्पित शर्मा फ्रॉम टेलीकॉम टॉक और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के नए लॉन्च के बारे में, जो कि है भारत एयर फाइबर। तो देखिए, बीएसएनएल ऑलरेडी एक सर्विस एक सिमिलर सी लॉन्च कर चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बता दूं कि भारत फाइबर जो है वो बीएसएनएल की एक डिफरेंट सर्विस है और अब बीएसएनएल एक अलग ही सर्विस लेके आया है जिसका नाम है भारत एयर फाइबर। तो ये डिफरेंट नाम है डेफिनेटली। तो बीएसएनएल ने इधर पे कुछ इनोवेटिव रोल आउट किया है इंडियंस के लिए और सब्सक्राइबर्स को जो है एक नई सर्विस मिलेगी। अब भारत एयर फाइबर आखिरकार है क्या, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं, ज्यादा बातें ही होंगी, बट एयर फाइबर के बारे में जानकारी, कैसे इनोवेटिव है ये, क्या इसमें नया होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप देख रहे हैं टेलीकॉम टॉक। देखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे दूं आगे बढ़ने से पहले। जो भारत एयर फाइबर है वो एक इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस है, तो डेफिनेटली आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज इधर पे मिलेंगी बट वायरलेसली मिलेंगी। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है भारत एयर फाइबर और भारत फाइबर के बीच में। भारत फाइबर जो है वो फाइबर ऑप्टिक पे बेस्ड एक सर्विस थी जो कि ब्रॉडबैंड, वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाती है सब्सक्राइबर्स को, बट भारत एयर फाइबर क्योंकि इधर पे एयर शब्द आ जाता है इसलिए आप सोच सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो थ्रू द एयर रहेगी और स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू रहेगी। अब इधर पे आ जाती है बात कि टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करती है भारत एयर फाइबर। तो देखिए, भारत एयर फाइबर जो है वो काफी एक इनोवेटिव अप्रोच है बीएसएनएल की। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो गांव में अप्लाई करी जाएगी, जो विलेजेस है हमारे इंडिया के, जो डेफिनेटली फार ऑफ थोड़े से एरियाज हैं उधर पे अप्लाई करी जाएगी। तो भारत एयर फाइबर के अंदर में बीएसएनएल जो है वो रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्टिविटी बैठाएगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे बोला जाता है। रेडियो वेव्स के इधर पे कॉल सेंटर अप्रोच सेट करी जाएगी जिसके थ्रू सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इधर पे अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम जो है, तो जैसे हमारा जो स्पेक्ट्रम यूज होता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेक्ट्रम को यूजुअली यूज करते हैं, वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम होता है, यानी उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पे उनका हक होता है, टोटली वो ओन करते हैं उस स्पेक्ट्रम को, उस पे वो सर्विसेज को यूज करते हैं और उसके लिए उन्हें DOT को पैसा भी देना पड़ता है। बट जो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है इधर पे उसको डिप्लॉय कर रहा है बीएसएनएल फार ऑफ एरिया में, तो इधर पे बीएसएनएल को जो है वो इंटरवेंशन कम रहेगा, इंटरफेरेंस कम रहेगा, तो इसलिए अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का जो यूज है वो इधर पे प्रैक्टिकल रहता है भारत एयर फाइबर डिप्लॉय करने के लिए। तो इस अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को यूज करके बीएसएनएल जो है वो सर्विसेज को रिले करेगा। अभी करीमनगर जो विलेज है तमिलनाडु में, उधर पे सबसे पहले ये चीज डिप्लॉय करी गई है। कल ही जनवरी 22 को लॉन्च हुआ है भारत एयर फाइबर का। तो सबसे पहले भारत एयर फाइबर के थ्रू वीडियो कॉल करके एक टेस्टिंग करी गई थी इस जगह पे। तो ये फार ऑफ विलेजेस हैं, इधर पे इंटरफेरेंस की कमी होगी, जैसे वाईफाई डिवाइसेस नहीं रहेंगे, माइक्रोवेव ओवन वगैरह नहीं रहेंगे जो यूजुअली सिग्नल के साथ में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इधर पे रेडियो वेव्स की जो यूजेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी और विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है वो बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएगा इन जगहों पे। अब एक और क्वेश्चन जो लोगों को ये रहेगा कि एग्जैक्टली क्या ऑफर करेगा बीएसएनएल जो है, क्योंकि अगर हम भारत फाइबर की बात देखें तो भारत फाइबर जो है ग्राम पंचायत तक भी बहुत ही पहुंचाया जा रहा था भारत नेट के थ्रू। करीब करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक जो है ये पहुंचने का प्लान था बीएसएनएल का, कि उसमें से कई सारे जो 2 लाख के आसपास जो ग्राम पंचायत है उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी पहुंच भी गई है। तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी के साधन तो बहुत है, तो भारत एयर फाइबर क्यों लाया गया है, इधर पे क्या डिफरेंट अप्रोच है बीएसएनएल की। तो इसका जवाब आपको मिलेगा ट्रिपल प्ले सर्विसेज में। तो ट्रिपल प्ले सर्विसेज अगर आपको याद हो तो सबसे पहले रिलायंस जियो ने भी प्रपोज करी थी। तो ट्रिपल प्ले सर्विसेज के अंदर में सबसे पहले आपको मिल जाता है डेटा, कॉलिंग और टीवी सर्विसेज भी। तो इधर पे बीएसएनएल ने यप टीवी करके जो कंपनी है, यप टीवी के साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि वो सबसे पहले भारत एयर फाइबर सर्विसेज को रोल आउट कर सके। अब यप टीवी जब इन सर्विसेज को रोल आउट करेगा विलेजेस में, तो विलेजेस को 3 सर्विसेज मिलेंगी जो कि रहेंगी टीवी सर्विसेज, डेटा सर्विसेज और कॉलिंग सर्विसेज। तो भारत एयर फाइबर के केस में जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो नॉर्मल भारत नेट है या फिर भारत फाइबर की सर्विस है, उधर पे आपको टीवी वाली सर्विसेज नहीं मिलेंगी बट ट्रिपल प्ले जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो एक कंबाइंड ऑफरिंग मिलेगी, ये इसका डिफरेंशिएटेड पॉइंट रहेगा बाकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज के कंपैरिजन में। अब थोड़ी सी और डिटेल में इसके बारे में आपको देता हूं कि आप इस सर्विसेज को यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली जो यूजर्स देख रहे हैं उनके लिए जवाब रहेगा सैडली नहीं। भारत एयर फाइबर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फार ऑफ जो विलेजेस हैं उनमें डिप्लॉय करा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहला तो रीजन ये रहता है कि ये रेडियो वेव्स को यूज करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे इसका रिले होगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है वो इजीली थोड़ा नॉइस से ससेप्टेबल रहती हैं। तो अगर आप माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो
इससे जो वेव्स हैं उन पे इंटरफेरेंस होता है और आपका जो कम्युनिकेशन का जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो ये विलेज एरिया में डिप्लॉय करने का रीज़न इसमें यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो इंटरफेरेंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, तो इधर पे क्वालिटी नेटवर्क की ज़्यादा रहेगी और लोगों को सर्विस जो है वो अनइंटरप्टेड मिलेगी। अब इधर पे दूसरा एक एम ये भी है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो विलेजेस में उनको इधर पे थोड़ा सा एम्पावर करने का गवर्नमेंट का प्लान है, तो जो इधर पे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पार्टनर कर सकते हैं बीएसएनएल के साथ में इस सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए। समझिए कि अगर आप विलेज में एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अगर आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत एयर फाइबर अपने विलेजेस को सप्लाई कर सकते हैं और उधर सब्सक्राइबर्स जो है उनको लगभग 3,000 रुपये तक पे करना पड़ेगा एक कनेक्शन लेने के लिए। उसके बाद 500 रुपये से जो उसके प्लान्स हैं वो स्टार्टिंग होंगे, तो 500 के ऊपर से प्लान्स रहेंगे। इधर जो विलेज में रहने वाले जो थोड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिनको अपना थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाना है, जिनको अपनी एक स्ट्रीम ऑफ इनकम सेटअप करनी है, तो उनको भी इधर पे बीएसएनएल एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो भारत एयर फाइबर की जो सर्विसेज हैं वो अपने नाम से अपने अंडर पे डिप्लॉय कर पाएं। तो इसी तरीके से यप टीवी जो है, यप टीवी इधर पे सबसे पहली कड़ी बना हुआ है, तो सबसे पहले यप टीवी ने तमिलनाडु में इधर पे डिप्लॉय कर रहा है कुछ कुछ विलेजेस में, और जो कनेक्टिविटी जो है सारे विलेजेस की वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, हमें ये भी देखने को मिलेगा। अब एक लास्ट बात जो है बीएसएनएल के एम के बारे में, तो बीएसएनएल का जो एम है वो है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। बीएसएनएल के जो विवेक बंसल हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो एम है वो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का है अगले फिस्कल 2021 में। तो अगले साल मार्च तक हमें डेफिनेटली ये देखने को मिल सकता है कि बीएसएनएल जो है अपने सब्सक्राइबर्स बेस में 1,00,000 नए ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जोड़ सकता है भारत एयर फाइबर के थ्रू ही। तो ये जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और बीएसएनएल जो है वो सबसे पहले इस चीज को डिप्लॉय कर रहा है रेडियो वेव्स के थ्रू। काफी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है और खासकर विलेजर्स के लिए जो है, एक तो जो हमें भारत नेट के अंदर में ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी देखने को मिली उसके ही सेम लाइंस में एक तरीका है, विलेज के जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन है उनको भी ये डेफिनेटली एम्पावर करेगा। तो मुझे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है ये देख के कि बीएसएनएल जो है काफी इनोवेटिव स्टेप्स ले रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए भी और जो विलेजर्स हैं उनको भी कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो मैं इस मूव के डेफिनेटली सपोर्ट में हूं। आपको क्या लगता है कैसी मूव है बीएसएनएल की तरफ से, ये मुझे भी शेयर कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इसमें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी मुझे शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आपको पता है। और ये था वीडियो बीएसएनएल एयर फाइबर के बारे में। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब बटन भी जरूर से दबाइए, क्योंकि हम और भी ऐसे ढेर सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे। दिस इज अर्पित शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेलीकॉम टॉक। हैव अ गुड डे।